हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज आ गई हूँ मैं अपने गांव पे, क्योंकि मेरे भाई की शादी है और देखिए कितनी सारी यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह आ रखी हैं। और आज ना शाम को छई मगर है और कल मंडप है उसका। साथ ही आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बाबा जी के जो डेली किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, किस टाइम वो जगते हैं, किस टाइम वो सोते हैं, उसका वीडियो बनाया जाए। तो मैं गई हूँ यहाँ पर राम कचहरी धाम पर अभी। तो ये देखिए यहाँ पर सफाई वगैरह हो रही है। तो जब कोई भी जाता है ना, तो जिसे भी मौका मिलता है यहाँ पे सेवा करने का, वो सेवा कर लेता है। तो आप लोगों ने पूछा ना, आप लोग क्या करने आते हो रोज़ यहाँ पे, मैम आप क्या करने जाती हो यहाँ पे? तो मैं भी यही करने जाती हूँ, मतलब प्रणाम वगैरह करने के लिए जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे पोछा लगा रहे हैं छोटे छोटे। तो ना मैं बाबा जी से मैंने बोल दिया था कि मैं आऊँगी और आपसे जो दवाइयाँ हैं वो पूछूँगी। तो बाबा जी, जैसे मैं गई वैसे ही बाबा जी बैठ गए, बोले ठीक है बेटा, तू दवाइयाँ वगैरह जो भी लेके आई है ना, तू लिख ले उसे। साथ ही बता रहे हैं बाबा जी, उनके पास ये जो कुर्ता है ना, काफ़ी पुराना हो गया है। और कुर्ता नहीं है, एक दो कुर्ते यहाँ पे रखे थे, बूढ़े पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो। और आज ना मैंने बाबा जी की बहुत सारी दवाइयाँ लिख ली हैं और कुछ दवाइयाँ आपसे शेयर भी कर रही हूँ जो बाबा जी बता रहे हैं। एक घूंची और एक घंटा प्याज को बताओ, सकारी उबासे मुँह पे आए गए हो, खत्म रोग। अच्छा जी, हमारे करो वो है। अच्छा, रोग खत्म? हाँ रोग खत्म, पानी खत्म। अच्छा, तो ये आदमी को तो हार्ड होता तो अब पुनर्नवा बूटी है, पुनर्नवा पुनर्नवा। हाँ अच्छा, पुनर्नवा बूटी है, वह बहुत काम करते, बहुत मर्जन के लिए करते, बहुत मर्जन, क्या समझो। तो यहाँ पे बाबा पथरी की दवाई बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया दवाई है और एकदम पथरी गायब हो जाती है उससे। तो आज मैंने ना बहुत सारी दवाइयों के बारे में बाबा जी से पूछा है, लेकिन आज मैं बताऊंगी बाबा जी की दिनचर्या के बारे में आपको। पटो करते ही हाँ। और पानी में उसे ही पानी पर छान दो, पानी पीते साले को सकारे को दोपहर को 3 घंटा 2 घंटा। अच्छा, पथरी जन कहाँ चली गई? अच्छा, पथरी गल गई। हाँ, जन कहाँ चली गई? हाँ। उन्हें फिर कागज देखो मारो। अच्छा, बोले या तो बहुत बड़ी या तो आपरेशन होगा इसका बाबा। हाँ। ये बात नहीं आई। अच्छा, कहा चली गई पुरनमा जो सब है, गल गई पथरी। पुरनमा जो है तो वो पुराने शरीर को नव कर दिया। हाँ, पुनर्नवा नाम ही है उसका, पुनर्नवा। फिर लोगों ने शरीर में दाग हो जाता है, ये फुलिया चीज के उठी है। भाई पुरनमा प्यावो जरा, फिर डारे छोटो छोड़ो तो भाई पानी प्यावो। अच्छा, चटकट्टा हो जा रहे शरीर में, सफेद दाग, तो भाई प्यावो। अच्छा, बूटी पैसा ले ले है। अच्छा, तो सफेद दाग पड़े, अपने आप बनाने पड़े। हाँ, वो तो है, पैसा ले लो। सोई भामे भूख मामे पुरन भूखा कहते हैं भूसी में। अच्छा, अपने यहाँ पटने पड़े है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। अच्छा, और मतलब इसके बाद लकड़ी पहनाने के बाद दौड़ा नहीं आएगा है? ना प्याई हो जाएगी टी। अच्छा, काट के लकड़ी भी पिलाई जाएगी है? बैलगड़ी पिलाई जाएगी, चिड़िया बच कहते हैं, लकड़ियाँ की होती है चिड़िया बच। हाँ, लकड़ियाँ हुई इतनी इतनी लंबी हुई, इतनी मोटी इतनी मोटी इतनी मोटी। अच्छा, लकड़ियाँ। आपने बाबा को कितनी सारी दवाइयों का ज्ञान है, प्याज दे बच के तो दौड़ा खत्म। हाँ, प्याज दे और इतनी सी बच गए होगी। हाँ भाई, अब इतनी है बटे पानी पे आई है। अच्छा, और भाई लकड़ी आएगा इतनी जोरा बांध के यहाँ जाकर। अच्छा, पी है, दौड़ा खत्म। दौड़ा खत्म है। हाँ, दौड़ा नहीं पड़ेगा। हाँ, तो एक कॉपी में हम सारी जितनी भी दवाइयाँ है ना, आप एक कॉपी में लिखवा दियो, ठीक है? हाँ, कॉपी में लिख लियो। कॉपी में लिख लेंगे, इसके बाद फिर क्या कहते हैं, एक एक दर्द उठाड़ो हो गए तो पहले बार। तो देखिए, जो अनुभव हमें है वो हमारे बच्चों के पास अभी नहीं है, ऐसे जो अनुभव इनके पास है वो अभी भी हमारे पास नहीं है। तो ये बुजुर्ग हमें अभी नहीं मिलने वाले हैं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो ये स्वस्थ हैं और हमारे साथ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। देव आ गई। अच्छा, तो तुम तो खत्म, दर्द खत्म? हाँ, मटी थी। कैसे भी दर्द हो? हाँ, दर्द कैसे हो, कम हो तो। अच्छा, चोट को ना हो। हाँ, खत्म, तुम तो खत्म। अच्छा, हाँ सही। आप सारी चीजें ना उसमें लिखवा दियो, कॉपी में लिखवा दियो सारी। लिखवा देंगे। हाँ, तो चलिए अब बाबा की दिनचर्या के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे रहते हैं वो। बीमारी ज्यादा है, सोते कम ही है। अच्छा, सोते कम हो? हाँ। अच्छा, नहीं, जो बीमारी ज्यादा है। हाँ हाँ, अब ऐसे ना, पहले
तो यहाँ पे पता है मुझे आपको कुछ भाषा समझ नहीं आ रही होगी, यानी बाबा ये कह रहे हैं मैं कम सोता हूँ, मतलब 6-7 बजे के करीब बाबा लेट जाते हैं और 10 बजे तक कह रहे हैं मैं सो जाता हूँ और सुबह 3 बजे मैं उठ जाता हूँ। हाँ। हम तो मैं साधु भी पहले हूँ और वो साधु भी हूँ ही। हाँ। साधु होने पर हो मैं। हाँ। या कुछ पंडित ने कही तो आप सुबह 3 बजे उठ जाते हो। हाँ 3 बजे तक उठ जाते तो ना उठ के बजे लेटे रहा था। हाँ वो तो है ही, आपकी अवस्था ऐसी है। रात पड़े अच्छा 3 बजे उठ के भजन करते रहते हो और हरजेस वगैरह है। हाँ अच्छा, इसके बाद अपने नहाना धोना। हाँ अच्छा, मैं कह रहा हूँ नहाने तो अब नहाएंगे हम, पानी थोड़ा गर्म कर लें सही नहाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं मैं सुबह ही नहा लेता हूँ मगर अभी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी करके इसके बाद नहाऊंगा दोपहर में। चना चना सुबह नाश्ते में, चना दूध बिस्कुट। अच्छा, और दोपहर के खाने में? खाने में एक दो रोटी खाते हैं दोपहर को, तो सब्जी लौकिया बनाए ली, लौकी। हाँ करेला बनाए ले। अच्छा करेला, ऐसे करके समझ रहे हो कि और कोई सब्जी ले आए कोई। अच्छा तो बनाए ली और दाल बनाए ली। अच्छा 3-4 बजे तो कम ही खाता, सब्जी ज्यादा खाता। अच्छा सब्जी ज्यादा, दाल कम है। अच्छा और हमेशा है तो मैं हर वक्त सब्जी को मन खाओ, सब्जी खाओ दाल मन खाओ। अच्छा और शाम को दूध वगैरह? हाँ शाम को मैं करो आधो करो दूध लाओ तो तभी वो संजो को आधो कर दो आधो सुखाए रहे को। अच्छा सुबह और शाम? बस भाई शाम को दूध और रात में खाना? रात में खाना ना खाते, पहले खाते। अच्छा अब ना खाते हैं अब 3 वर्ष। अच्छा 3 वर्ष से खाना रात में खत्म? हाँ खत्म। अच्छा शाम को खाना खत्म है, बिल्कुल खाना नहीं खाते? नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बाबा बता रहे हैं कि मैं शाम को ना खाना खाता ही नहीं हूँ, मतलब 4 या 5 बजे के करीब यहाँ पे बाबा दूध लेते हैं थोड़ा। लेते ही रात नहीं, नींद ना आओ फिर। अच्छा नींद वही आओते ही 10 के बाद में। 10 बजे के बाद में? अच्छा 10 के बाद में तभी 2 बजे 3 बजे आँख खुल गई। अच्छा फिर बस फिर भजन वगैरह मन करने लाके लेटे ही लेटे भजन वगैरह। तो यहाँ पे बाबा जी कह रहे हैं कि मैं 3 बजे उठ जाता हूँ और इसके बाद नींद नहीं आती, इसके बाद भजन वगैरह करता हूँ और इसके बाद फिर नहाना धोना होता है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह और शाम को प्रणाम करने के लिए आते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट करके पूछा था ना कि आप रोज़ क्या करने जाती थी यहाँ पे, तो मैं ये प्रणाम वगैरह करने के लिए जाती थी वहाँ पे सुबह शाम जब भी मुझे टाइम मिलता था। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, सेम उसी तरह से मैं भी यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आती हूँ दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता था। और सच में इस जगह का बहुत ज़्यादा प्रताप है। आज ना आपको मैं दिखाऊंगी, आज मेरा खुद का पकवान बन जाता, साथ ही साथ बाबा को भी बहुत ही ज़्यादा चोट लगती। और कहते हैं ना कि मानने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, मतलब उसके मर्जी के बगैर पत्ता हिलता ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये मैया रहती हैं, राम 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 राम, तो इनका भी कोई सहारा नहीं है। और आप लोग कहते हैं ना कि बाबा जी के लिए पलंग नहीं है, चारपाई नहीं है, तो देखिए कितने सारे यहाँ पे गद्दे रख रखे हैं, लेकिन बाबा जी नहीं सोते हैं गद्दों पे, वो अपना बिस्तर ज़मीन पर ही लगाते हैं। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप लाइटर दे दो बाबा जी को, उसके पास नहीं है। तो देखिए ये मैं पहले ही जब मैं गई थी यहाँ से तभी मैं बाबा जी के लिए लाइटर दे गई, लेकिन जब मैं इस कमरे में घुसी ना तो मुझे इतनी बदबू आई गैस की, तो पूरा कमरा भरा हुआ था, मतलब गैस पूरी बुरी तरह से निकल रही थी। और बाबा जी 4 दिन से खाना बना रहे हैं यहाँ से, जो नली फट गई है बाबा जी। अच्छा हाँ जी, देखो जो नली फट गई है, आप कैसे खाना बना रहे हो इतनी दिन से? अरे जब देखा नली फट गई। हाँ नली फट गई है जी, ये तो आग लग जाएगी। अच्छा हाँ देखो ये फट गई है यहाँ जी, इससे तो बहुत गैस निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हवा जैसे निकल रही है इससे, पंखे जैसी। ये नली दूसरी मंगानी पड़ेगी जी, देखो पूरी जी पूरी नली फटी हुई यूज कर रहे हो आप। पूरी नली फटी हुई आप इस्तेमाल कर रहे हो जी, पूरी नली फटी है इसमें से, तभी तो मैं कह रही हूँ बदबू बहुत आ रही है गैस की। 4-5 दिन से बाबा जी देखिए यहाँ पे इस गैस पे खाना बना रहे हैं, और ताजुब वाली बात ये है कि आग नहीं लगी है यहाँ पे, और गैस यहाँ इतनी तेज निकल रही है ना, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो बाल बाल बचे। हाँ तो जी नली फट गई बाबा, नली दूसरी मंगाओ। देखो देखो बहुत तेज आ रही, बंद करो इसे। बंद कर दी। हाँ बंद करो, आप अभी बंद नहीं है जो खुली हुई है। खुली ना है। अरे खुली है, अब नीचे करो ना वो। अरे हाँ बंद नीचे। हाँ नीचे को करोगे तो बंद होगी, और ऐसे गैस निकल रही है, आग लग जाएगी बाबा।
आग हो। यहाँ पे इतने सारे इस टाइम लोग हैं और किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। बाबा बेचारों को तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन आस पड़ोस में जो लोग हैं उन्हें तो अच्छी तरह से समझ आता है। लोग दिन रात यहाँ पे आते हैं। आज ना बहुत बुरा लगा, बाबा रोने लगे क्योंकि उन्हें ये लगा कि मैं खाना कैसे बनाऊँगा, किस पे बनाऊँगा, कौन ला के देगा मुझे। तो ये ना वीडियो मैंने जब शूट किया था ना, इसके बाद जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ ये, तो मुझे ना सिर्फ एक ही बात समझ आ रही कि आज क्या होता, आज तो धमाका हो जाता। और ये देखिए नली भी बाबा की बहुत ज़्यादा पुरानी है, मुझे लग रहा है सालों से इसको बदला नहीं गया है। ये देखिए कितना ज़्यादा कलर छोड़ रही है। फिलहाल बाबा का पानी यहाँ गर्म हो गया है। जब हम घर पे गैस जलाते हैं और एक मिनट भी अगर लाइटर ना जलाएं तो एक साथ गैस का भभका छूट जाता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल भी 4 दिन से बाबा जी चला रहे हैं और ये गैस बिल्कुल भी नहीं फटी ना आग लगी। तो ये कोई शक्ति तो काम करती है। और ये जगह परम मोक्ष भूमि है, यानी यहाँ पे जो संत आए थे उनका 10वां द्वार यहाँ से टूटा था। देखिए ये लिखा है, जहाँ जहाँ हरजन पग धरे बारज जे मुख जाए, या गुड़सु सुखराम कहे भक्ति उपजे आए। तो ये रंजी देख रहे हैं आप, मतलब मेरे बाबा का भी जन्म नहीं हुआ, उससे पहले का ये गड्ढा है पूरा भर दिया गया है। मतलब सब में टाइलें हैं पर ये गड्ढा खाली छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं और ये रज लेके जाते हैं और लगाते हैं, और आज तक ये गड्ढा कभी खाली नहीं हुआ है। जितना भी लोग यहाँ से जाते हैं ना, उतनी मिट्टी यहाँ पे आ जाती है। और ये एक कुदरती आप कह लीजिए, क्या है ये तो भगवान ही जाने। और आप कहते हैं ना बाबा जी का खर्चा कैसे चलता है, तो देखिए आपने आज खुद प्रमाण देख लिया कि 4 दिन से ये सड़ी गली, इससे इतना ज़्यादा गैस निकल रहा था और बाबा जी आराम से खाना बना रहे थे। तो फिलहाल मैंने बाबा जी के लिए यहाँ नली मंगा ली है और कपड़े भी मंगा लिए हैं, भाई की शादी है और खाना वाना बन रहा है यहाँ पे चूल्हे पे। और जहाँ पे बाबा जी रहते हैं ना, वो भगवान का घर है और वहाँ पे खाना और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो देखिए ना, आज राम जी ने भेज दिया मुझे उनकी हेल्प करने के लिए, और ये मैंने उनके लिए कपड़े मंगाए हैं, और जो गैस का पाइप होता है ना, तो पाइप भी मैंने मंगा लिया है। तो अभी मैं जाऊँगी बाबा के पास पाइप बदलने के लिए, जिससे वो सुबह को अगर पानी वगैरह गर्म कर सके तो आराम से कर ले। और ये देखिए मेरे हस्बैंड हैं यहाँ पे और हम लोग गए हैं उनका पाइप बदलने के लिए गैस का। तो आज ही मैं गांव से आने को थी और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था आने का, क्योंकि थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन देखिए कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। तो यहाँ मैं बाबा का वीडियो बनाने आई थी और ये सब देखा ना तो बहुत बुरा लगा। तो चलिए बाबा को कपड़े भी दे देते हैं। लो वरदान दो, देखो खोल के देखो बाबा जी कपड़ा आपके लिए। लो कपड़ा क्यों रहा है? हैं? कपड़ा है। हाँ, जो धोती। अच्छा धोती है। हाँ, और जो जो कुर्ता। तो ये देखिए, ये होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी धरोहर। जैसे मैंने बाबा को ये कपड़े दिए ना, कैसे इन्होंने बड़े प्यार से अपने सर से लगाए हैं ये कपड़े। तो बाबा को मैंने देखा है कि जब अन्न वगैरह खाते हैं ना, उसको भी ये सर से लगाते हैं। ये देखिए भगवान का यहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।